मैं भी अपने आप से वही एक्सपेक्ट करता हूँ जो दूसरों से डिमांड करता हूँ, कंसिस्टेंट चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप फाइनल में दिया गया गलत आउट, तो ये देख पाकिस्तान के इस दौर के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम भड़क उठे और दे दिया एक बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया था। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आसानी से चेस कर लिया। आपको बता दूं, फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा का कैच ट्रेविस हेड पकड़ते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड के हाथों वो कैच छूट जाता है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होता है कि कोई समझ नहीं पाता, और ना ही रोहित शर्मा DRS लेते हैं। इसके बाद जब बड़ी स्क्रीन पर देखा जाता है तो ट्रेविस हेड बॉल को ड्रॉप करके दोबारा उठाते नजर आते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में हुई इतनी बड़ी बेईमानी के ऊपर बाबर आजम काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। आपको बता दूं, बाबर आजम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले कभी नहीं सुधर सकते, ये हर मैच में चीटिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर उस दिन रोहित शर्मा को आउट नहीं दिया जाता तो इंडिया फाइनल जीत सकती थी। कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।